स्ट्रीट स्टाइल कप ऑमलेट बैचलर रूममेट्स चैलेंज। एक बैचलर कमरे में तीन विद्यार्थी मिलकर पढ़ाई के लिए रहने लगे। उनका नाम महेश, रमेश और सुरेश। तीनों उस कमरे में रहकर खाना पकाकर कॉलेज जाकर पढ़ाई करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद वापस रूम में आकर उधर पढ़ाई करके खाना पकाकर खाकर सो जाते थे। उनका घर का मालिक का नाम गोपाल था। वो बड़ा शराबी था। वो हर रोज रात होने के बाद दारू का बॉटल पकड़कर उनके कमरे में आता था, उधर बैठकर अच्छा सा पीता था। रमेश वाले तो उनको अच्छा सा चकना खिलाकर पढ़ाई करते थे। गोपाल कुछ ना कुछ बकवास करके उनको बहुत डिस्टर्ब करता था और फुल पीकर उधर ही गिर जाता था। तब सब मिलकर उनको उठाकर नीचे उनके कमरे में छोड़कर चले जाते थे। लेकिन वास्तव में गोपाल अच्छा इंसान था। कभी कभी रमेश वाले किराए नहीं भर पाए तो कुछ नहीं कहता था उनको, इसलिए रमेश वाले भी उनको बहुत इज्जत देते थे। एक दिन गांव से लड्डू कहकर एक आदमी उनके कमरे में आया। उसको देखकर रमेश वाले घबरा गए, क्योंकि लड्डू एक नंबर का चिपकू था। अगर एक बार जुड़ गया तो उससे बचना बहुत मुश्किल था। लड्डू, ऐसे मुंह लटका के क्या देख रहे हैं? मुझे कभी देखा नहीं है क्या? चलो हटो हटो, मुझे अर्जेंट मूत्र विसर्जन करना है। और रमेश, मुझे बाहर आने तक जल्दी कॉफी बनाकर रखना। कहकर बाथरूम में घुस गया। तब रमेश, अरे बाप रे, ये कैसे आ गया? अगर चिपक गया तो नहीं जाएगा, उसका पैसे खत्म होने तक इधर ही रह जाएगा। इससे कुछ कहेंगे सोचा तो इसका बाप हमारा गांव का प्रेसिडेंट है। आदमी तो अच्छा है, देखते हैं, बाहर आने दीजिए। कहा लड्डू बाथरूम से बाहर निकलकर रमेश से कॉफी लेकर उसे पीकर, हाँ क्या है रे, सब कैसे हो यार दोस्त? इधर कौन सा पिक्चर चल रहा है, चलो देखते हैं। कहा तब महेश, देखो लड्डू, हमें कॉलेज है, तुम जाओ, तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखेंगे, खाकर जाना, चाबी डोर मैट के नीचे रखना। कहा वे जाने के बाद लड्डू उनका पूरा खाना खा लिया। शाम रमेश वाले वापस आकर देखे तो उधर उनके लिए खाना कुछ भी नहीं था। तब उनको बहुत गुस्सा आया और कुछ नहीं कर पाकर वापस खाना पकाए। सुरेश, अरे लड्डू इधर रहेगा तो हम कंगाल बन जाएंगे, इसके बारे में हमारा ओनर से कहकर कैसे भी इधर से भेज देते हैं। कहा तब महेश, हाँ गोपाल जी ही उसके लिए सही है। कहा इतने में बेल का आवाज आया। दरवाजा खोलकर देखे तो लड्डू और उनका ओनर गोपाल साथ में खड़े थे और उनके पास एक फुल बॉटल था। तब ओनर गोपाल, क्या रे, तुम्हारा दोस्त तो बहुत मन मर्यादा जानने वाला जैसा लग रहा है। मेरे लिए दारू लाकर पीने के लिए मुझे इनवाइट किया है। अरे वाह, कितना अच्छा मन है और कितना अच्छा व्यवहार है लड़के का। कहा तब लड्डू, बड़ों का इज्जत करना तो हमारा संप्रदाय है सर, पहले आप अंदर तो चलिए। कहा वो देखकर तीनों मुंह लटका कर देखने लगे। ऐसे वे दोनों बैठकर दारू पीकर उधर ही खाकर गिर गए। ऐसे हर रोज लड्डू बगल वाले के लिए कुछ छोड़े बिना सब कुछ खाने लगा। शाम होने के बाद ओनर से मिलकर शराब पीकर हलचल मचाने लगा। एक दिन महेश, अरे इस लड्डू के पास पैसे खत्म होने को आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही उसको इधर से बाहर फेंकने का एक बड़ा आइडिया है मेरे पास, कहकर उसका प्लान बताया। अगले दिन लड्डू उठकर देखा तो घर में एक सामान भी नहीं था। तब महेश, अरे लड्डू, चोर घुसकर पूरा सामान चोरी करके चले गए, अब हम इधर नहीं पका सकते हैं, हम कॉलेज के कैंटीन में खा लेंगे, बेचारा तुम्हारा हालत क्या होगा। कहा तब लड्डू, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं अपने बारे में देख लूंगा। कहा ऐसे वे लोग कॉलेज जाकर वापस आने से लड्डू एक कप में ऑमलेट डालकर चूल्हे के ऊपर लगाकर जलाने लगा। कुछ देर के बाद कप में ऑमलेट तैयार हुआ और लड्डू उसे खाने लगा। ये देखकर तीनों हैरान रह गए। अब लड्डू तो सारे अंडे खत्म होने तक नहीं जाएगा कहकर तय हुए। तब रमेश वालों को एक विचार आया।
सब नीचे जाकर ऑनर से मिले। तब महेश, गोपाल जी, हमारा दोस्त लड्डू के तरफ से हम आपको सॉरी बोल रहे हैं, वो आपको तो बहुत गाली दिया है, इतना ही नहीं। कहा तब गोपाल, क्या मुझे गाली दिया? क्या कहकर गाली दिया? पूछा तब महेश। अब शराब पीने के लिए उसके पास कुत्ते जैसे आते हैं कह रहा था, बेशरम से मुफ्त में आप उसका दारू सुसु जैसे पीते हैं कह रहा था, और वो आंटी के बारे में बहुत बुरा कहा था सर। कहा तब सब हाँ हाँ कहे। तब गोपाल को बहुत गुस्सा आया। उस रात शराब पीते पीते दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा हुआ। तब गोपाल लड्डू को पकड़कर खूब पीटकर घर से बाहर धक्का देके निकाल दिया। ये देखकर तीनों आराम की सांस लिया।